कि डिस्ट्रिक्ट लेवल का चैंपियनशिप था जो कि आज 6 साल के बाद हुआ है, जो कि कॉकनाइज वाला है। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश है कि यहाँ पे टूर्नामेंट हुआ है, वो भी टाइकोंडो का, क्योंकि यहाँ पे J&K में टाइकोंडो का क्रेज बहुत ज़्यादा है बच्चों में। तो फिर यहाँ पे अभी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल का चैंपियनशिप कर रहे हैं जो कि हमें ऑर्गेनाइज़ किया है, मतलब जो स्पॉन्सर्स वगैरह है वो श्रीनगर स्मार्ट सिटी ने किया है। तो कहाँ कहाँ से बच्चे इसमें आए थे? यहाँ पे सिर्फ डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही है, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की चैंपियनशिप है, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के मतलब श्रीनगर के बच्चे ही आए हैं। बट ये है कि अपना परफॉर्मेंस, अपना जो डिमॉन्स्ट्रेशन देने के लिए शोपियन से आए हैं, और ये कुपवाड़ा से आए थे बच्चे जो उन्होंने यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन दिखाया। यहाँ पे ये इवेंट था, 7 साल उनके बाद ये इवेंट आया था, ये डिस्ट्रिक्ट का। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही मैं बहुत सारे इवेंट्स में जाऊँ, नेशनल, इंटरनेशनल, ओलंपिक्स में भी मैं खेलूँ। तो यहाँ पे आके कितना अच्छा लगा? बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, और मैं बाकियों को भी बोलती हूँ कि स्पोर्ट्स में आइए। यहाँ पे आके कितना फ़ायदा मिलेगा आपको? बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, इससे हमारी फिटनेस भी रह सकती है। मैं चाहती हूँ ऐसे इवेंट्स बहुत ज़्यादा हो, डिस्ट्रिक्ट ही नहीं, स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल और ओलंपिक्स के भी इवेंट हो, और जो कश्मीर की लड़की है वो ज़्यादा बाहर नहीं जा पाती है गेम्स के लिए। ओलंपिक्स में भी टाइकोंडो में अभी तक किसी इंडिया की लड़की ने मेडल नहीं लाया। कि मैं चाहती हूँ कि कोई इंडिया की लड़की ओलंपिक्स में मेडल लाए टाइकोंडो में, और अपने देश का नाम रोशन करे।